सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में यूपी के भविष्य का रोडमैप रखा और अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान किए काम का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने 4 साल में उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। ये इसी का नतीजा है कि आज यूपी देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगर 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बनी तो वो यूपी को देश की पहली अर्थव्यवस्था बना देंगे। जब आती मुख्यमंत्री योगी के द्वारा कही गई ये कविता भले ही रामधारी दिनकर ने लिखी हो, लेकिन सीएम योगी ने इससे यूपी के विकास का मंत्र लिया है। बुधवार को विधानसभा में सीएम योगी ने यूपी के भविष्य की चर्चा के साथ अपने 4 साल के काम का जिक्र किया। सीएम योगी की माने तो 4 साल में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगर 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो वो यूपी को देश की पहली अर्थव्यवस्था बना देंगे। मात्र 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और हमारी इनकम कितनी हुई है, हम 10,90,000 करोड़ रुपए से अब बढ़कर के कहां पहुंच गए हैं, 21,73,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की है। अगर ये 4 वर्ष में दुगने से ज्यादा हुई है, इंतजार करिए 2022 के बाद जब 5 वर्षों के लिए हम लोग फिर आएंगे ना। उत्तर प्रदेश देश की पहली इकोनॉमी बनेगी, टीम उसी पहली इकोनॉमी के लिए कार्य करने जा रही है। इस दौरान सीएम योगी पिछली सपा सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए और कहा कि पुरानी सरकार के पास यूपी के विकास का कोई दृष्टिकोण नहीं था, पर उनकी सरकार ने विकास का ऐसा रोड मैप बनाया कि आज पूरा देश बजट की तारीफ कर रहा है। लेकिन हाँ, अर्थव्यवस्था और बजट के मुद्दे को लेकर के चेयरमैन पीएसडी चैंबर ऑफ कॉमर्स, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। किसानों, युवाओं और महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। कोरोना संक्रमण की आपदा में सभी उद्योगों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस बजट से उद्योगों को एक नई राहत दिखती है। ये पीएचडी चैंबर के चेयरमैन का बयान है। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है जिसने यूपी के विकास में उम्मीदों के पंख लगा दिए हैं। ये पूरे प्रदेश के लिए, कहां था प्रदेश आज से 4 साल पहले? प्रदेश कहां था आज से 4 साल पहले? देश और दुनिया उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में मानता था। उत्तर भारत के जिन 4-5 राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता था उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था। और आज मैं आ रहा हूं आंकड़े में, सुन लीजिए आप अपनी बात को, थोड़ा धैर्य धीरज रखिए। महोदय, बीमारू राज्य था 4 साल पहले, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीमारू राज्य इसलिए था इतनी बड़ी आबादी के राज्य का बजट कितना था, 2 लाख करोड़ का। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने किसानों का भी जिक्र किया और उनकी दोगुनी आय के लिए यूपी सरकार क्या कर रही है इसका पूरा रोडमैप सदन के सामने रखा है। लेकिन सदन में उस वक्त माहौल एकदम गर्म हो गया जब सीएम योगी ने हाथरस हत्याकांड का जिक्र करते हुए सपा पर हमला बोल दिया। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है क्या? और क्या हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों जुड़ जाता है? ये कौन सी स्थिति है, ये कौन सी मजबूरी है? मैं वही कह रहा हूं ना, ये अरे आज वहां पे कोई रैली आपकी, आज रैली है ना कोई? जब संसद में, जब विधानसभा में उस पर प्रलाप होगा, ये जो उसका बात कर रहे हैं,
ये भाजपा के सांसद के साथ बैठे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आज वहां पे समाजवादी पार्टी की एक रैली है और रैली के पोस्टर उस अपराधी के द्वारा लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ लगाए गए हैं, ये क्या साबित करता है? ये क्या साबित करता है? सीएम योगी बोल रहे थे तभी नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी भी उठे और एक पोस्टर दिखाने लगे। आपको बता दें कि हाथरस हत्याकांड को लेकर यूपी की सियासत गर्म है। राजनीतिक दल आरोपी को अपने विरोधी दल से जोड़कर बता रहे हैं, पर सियासत से इतर सवाल यूपी की सुरक्षा व्यवस्था का भी है और विकास का भी। यूपी सरकार इन दोनों मोर्चों पर बेहतर करने का दावा कर रही है, लेकिन ये दावे कितने असरदार हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।